दिन की बात है, वीर और दादाजी गांव के बाहर खड़े हुए थे। बेटा वीर, मैं कुछ दिनों के लिए गांव जा रहा हूँ। बेटा तुम्हें चिंटू और इमली का ध्यान रखना है और पूरे गांव का भी ध्यान रखना है और अपना भी। ठीक है दादाजी, आप बेफिक्र होकर गांव चले जाइए, मैं ध्यान रखूंगा सभी का। इतना सुनते ही दादाजी गांव के ओर चले जाते हैं और वीर भी अपने घर को जाने लगता है। रास्ते में जाते जाते बीच रास्ते में इमली दिखाई दे जाती है और वे दोनों बात कर रहे थे। इमली पूछती है, वीर तुम कहाँ से आ रहे हो? वीर कहता है, दादाजी गांव गए हैं कुछ दिनों के लिए, मैं उन्हें छोड़ कर ही आया हूँ। वीर कहता है, दादाजी मुझसे कहकर गए हैं तुम्हें पूरे गांव का ख्याल रखना है। इमली कहती है, हाँ वीर तुम्हें पूरे गांव का ख्याल रखना है, तुम्हें दादाजी की कही हुई बात माननी चाहिए। वे दोनों थोड़ी देर अपने आपस में बातें कर रहे थे। दादाजी गांव में जा रहे थे, ऊपर से बैंडमैन आ जाता है और प्रेम साहब को उठाकर लेकर चले जाता है अपनी लैब में। तो प्रेम साहब कहते हैं, बैंडमैन तो मेरा रास्ता छोड़ दे, नहीं तो अंजाम ठीक नहीं होगा, वीर तेरी चुटकियों में चटनी बना मना देगा। बैंडमैन कहता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला प्रेम साहब जी, मैं वीर को अभी कॉल करके अपनी लैब में को बुलाता हूँ, देखता हूँ कैसे नहीं आता है। मैं अभी वीर को कॉल करके अपनी लैब में को बुलाता हूँ। बैंडमैन वीर को कॉल करता है, कहता है, वीर तेरे दादाजी मेरे कब्जे में हैं और तू अभी यहाँ आकर अपने दादाजी को बचा ले, नहीं तो अंजाम ठीक नहीं होगा। वीर कहता है, मैं अभी आता हूँ लैब में। क्या फ्रेंड्स, वीर दादाजी को बचा पाएगा? आगे की